अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस पर अपना जो अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप जो फर्स्ट स्टेप जो रहता है यूट्यूब का वो क्या रहता है, उसके बारे में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। सेकेंड ऑप्शन उसमें दिया जाता है गूगल एडसेंस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो में गूगल एडसेंस के बारे में कुछ जानकारी देंगे, तो भाई वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, अगर क्योंकि आपके ही काम आने वाली है। एक बार वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या प्रोसेस किया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने से पहले बता दें कि आप हमारे अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आप लोगों को और मैं ऐसी ऐसी नई वीडियो लेके आता रहूं, या फिर जैसी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए उसी प्रकार की वीडियो जो बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, वीडियो देखने से पहले बता दें कि आप गूगल एडसेंस पे जैसे ही जाओगे, मतलब गूगल पे जाके सर्च करोगे गूगल एडसेंस, जैसे ही आप गूगल एडसेंस सर्च करोगे तो फर्स्ट उसमें लिखा आएगा गूगल एडसेंस डॉट कॉम वगैरह लिखा आता है नीचे। तो गूगल एडसेंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, आप वीडियो में देख रहे होंगे। जैसे ही गूगल एडसेंस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद उसमें URL मांगेगा। URL मतलब आपका जो गूगल अकाउंट है उसको आप गूगल पे लिखोगे तो ऊपर एक लिंक आ जाएगा, लिंक वहाँ से आप जो है कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल सकते हो, यानी अपने चैनल का लिंक। चैनल का लिंक यानी कि जैसे लगा लो कि आप गूगल पे सर्च करोगे अपना चैनल, चैनल को करने के बाद ऊपर जो एक लिंक बना होता है उसको कॉपी पेस्ट करके आप नीचे इसमें URL में डाल सकते हो। जैसे ही आप इसको URL में डालोगे उसके बाद नीचे कंटिन्यू द यूट्यूब लिखेंगे आप, क्योंकि हम इसी के द्वारा जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे वही लिंक है वो। उसके बाद आप इसको जैसे ही क्लिक करने के बाद आपका कुछ दूसरा इंटरफेस ऐसा होगा, उसमें आपको ये बातें फील करनी होगी। जैसे देखिए आप दोस्तों, इसमें पहला आपने जो अपना स्टेप पूरा किया था जो रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम का था, अब दूसरा नेट है जो तुम्हारा हमने साइन अप करना है गूगल एडसेंस पर। देखिए दोस्तों, अब जैसे हम इस पर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हमारा गूगल एडसेंस ओपन हो जाएगा। गूगल एडसेंस ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें जो है अपने पहले जो अपनी इसमें पूरा फिल करना होगा, जो जो इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं कि इसमें ये चीज़ भरो, तो आपको वो सब चीज़ें भरनी हैं। वो कैसे भरनी होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा, आप उनको देख देख के जो अपना डाटा वगैरह इसमें भर सकते हैं जो भी इसने मांगा होगा। तो दोस्तों, अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें योर वेबसाइट एक मांगा गया है, योर वेबसाइट मतलब कि अपना जो लिंक होता है आप इसमें कॉपी पेस्ट अपना लिंक कीजिए नीचे, फिर यस पे क्लिक कीजिए आप। और जैसे आप यस पे क्लिक करने के बाद नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाने के बाद सेलेक्ट योर कंट्री। हाँ जी दोस्तों, इसमें आपको आप किस देश से हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, आप इसमें नीचे अपना सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट आता है इसमें प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट द टर्म्स कंडीशन, वो आपसे पूछेगा कि इसमें जो आपको टर्म कंडीशन दी गई है आप उनको एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ लेना आप जो है इस पूरी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो बाकी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो नीचे एक आइकन दिख रहा है उस पर यस क्लिक कर देना। यस के ऊपर आप टिक करोगे, जैसे ही उसके बाद लिखा आएगा करेट अकाउंट। जैसे ही आपका अकाउंट करेट हो जाएगा उसके बाद आप अपने पेमेंट अकाउंट्स में जाके तो नेक्स्ट में अपना नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ भर देना आपको। जैसे ही कस्टमर इन्फॉर्मेशन है इसमें इंडिविजुअल आपका बैंक रहना चाहिए, आपका जो नाम रहता है वो आप अपने इसमें नाम फिल कर सकते हैं। नाम फिल करने के बाद आपका जो चैनल का जो भी नाम हो आप उसका वो नाम डालिए इसमें। उसके बाद आपका एड्रेस मांगेगा तो आप अपना इसमें जो है पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जैसे नीचे लिखा हुआ है देखिए, गाँव का नाम, उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस जहाँ रहता है आप लोगों का, उसके बाद सिटी, आप किस सिटी के रहने वाले हो उस सिटी को आप सर्च करके यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आता है पिन कोड, पिन कोड आपके सिटी का जो भी पिन कोड रहता है आप इसमें अपना पिन कोड ऐड करिए। जैसे ऐड कर लेते हैं उसके बाद आती है आप कौन से स्टेट से रहने वाले हो, हरियाणा, पंजाब, ये वो, आप जो भी जिस स्टेट से हो वहाँ पे आप इस पर क्लिक कर लेना आप लोगों को। और उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही नीचे जाओगे, नीचे जाके आप इसको सबमिट कर देना है आप लोगों को। सबमिट जैसे ही कर दोगे आपकी डिटेल जो है फुल फिल हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जो अपनी टर्म एंड कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आप इसको पढ़ सकते हो एक बार, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद ही आप लोगों को पता लगेगा कि गूगल के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट है या फिर जो जो उन्होंने मांगा गया है वो सारा टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है, कि आप उसके खिलाफ ना होकर जो उस रिक्वायरमेंट मांगी गई है आप उन्हीं को है जो उसमें फिल कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं जैसा जैसा बोला गया आपको, तो आपका जो गूगल एडसेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जो था वो गूगल एडसेंस का क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमने जो अपना फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म फिल हो चुका है। फॉर्म फिल होने के बाद अब जो है ये टाइम लेगा, 1 से 2 दिन का टाइम लेता है, 1 से 2 दिन के अंदर जो है अब ये रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू होने के बाद जो नेक्स्ट
स्टेप जो है वो प्रोसेसिंग में चल चुका है हमारा। जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद जो नीचे थर्ड वाला रह जाएगा वो रहता है एक यूट्यूब का खुद का, यानी कि यूट्यूब के द्वारा जो मांगी गई थी रिक्वायरमेंट वो हमने पूरी कर दी है ऊपर दो स्टेप में। अब तीसरा स्टेप रहता है रिव्यू का, अब गूगल खुद उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के लिए क्या पता कितना टाइम लेता है, 10 से 15 दिन के अंदर आपके पास ईमेल आ जाती है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आप उसको दोबारा कर सकते हो, दोबारा फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको गूगल एडसेंस बन चुका है, आप दोबारा इसमें कोई करना नहीं है। फर्स्ट वाला उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नीचे जो है थर्ड रिव्यू आपका चैनल जब हो जाएगा तो आपकी मोनेटाइज हो जाएगी ओपन। अगर नहीं होती है तो भाई आप उस पर मेहनत कंटिन्यू करनी है आपको, ठीक है। ये मत सोचना कि वो नहीं होगा, आपको उस पर मेहनत करते रहना जब तक वो नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारे बहुत ही बेनिफिट रहते हैं कि आपको करना चाहिए ये लोग। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ताकि आप लोगों को नई नई वीडियो मिलती रहे अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।